हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस चारू उसोपा एक सिंगल मदर हैं। उन्होंने साल 2021 में बेटी जियाना को जन्म दिया था। पति राजीव संग तलाक के बाद चारू अकेले ही बेटी का ध्यान रख रही है और अब ऐसे में चारू उसोपा का दर्द छलका है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, चारू की बेटी जियाना 2 साल की होने वाली है। एक्ट्रेस ने अब बताया है कि डिलीवरी के बाद उन पर प्रेगनेंसी वेट कम करने का कितना ज़्यादा प्रेशर बन गया था। एक इंटरव्यू में चारू ने कहा कि सेलिब्रिटी मदर से माँ बनने के तुरंत बाद ही वज़न कम करने की उम्मीद की जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही आपको प्रेशर दे देती है। इतना ही नहीं, इस इंटरव्यू में चारू यहाँ नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, ईमानदारी से कहूँ तो ये सच है, अगर आपकी बॉडी में बेबी फैट है तो लोग आपको काम नहीं देते, आपको साफ तौर पर कहते हैं कि आप बहुत मोटी लग रही हो, आपका वज़न बहुत बड़ा हुआ है और ये कहकर आपको टालते रहते हैं। चारू ने कहा कि जब राजीव संग उनका तलाक हुआ था तो वो जल्द से जल्द काम की तलाश करना चाहती थी, लेकिन जब वो ऑडिशन या मीटिंग्स के लिए जाती थी तो उन्हें कहा जाता था उनका वज़न बहुत ज़्यादा है और ये कहकर उन्हें कई बार रिजेक्शन भी झेलना पड़ा था। बता दें आपको, चारू ने कहा कि कई लोग उन्हें ये भी कहते थे कि उनके फेस पर काफ़ी फैट और शेप में आने के लिए उन्हें रोज़ाना रनिंग करनी चाहिए। बता दूं आपको, मेरी खुद की ज़रूरतें हैं इसलिए मैं काम करना चाहती थी, ये तमाम बातें चारू उसोपा ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कही हैं और वो कहती हैं, मैंने अपने वज़न को कम करने के लिए स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज रूटीन फॉलो किया, जिसकी वजह से अब मैं पूरी तरीके से फिट हूँ। शूटिंग के समय मैं खाना तक नहीं खाती थी, कभी कभी तो मैं पानी पीने से भी बचती थी, हालाँकि ये करना बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। इतना ही नहीं, चारू कहती हैं, कभी कभी आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती थी जो आप नहीं चाहते हैं, यहाँ तक कि मुझे गर्मियों में चक्कर आ जाते थे क्योंकि मैं कुछ नहीं खाती थी, मुझे उल्टी जैसा लगता था लेकिन उल्टी नहीं आती थी क्योंकि मैं पूरी तरीके से खाली पेट होती थी, पर मैंने वक्त के साथ अपने आप को ढालना सीखा और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करके अपना वज़न घटाया। इस वीडियो में इतना ही।